हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बहुत सी सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है एसेंशन टू गोडो नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, लुजिंग चाओ को बचा लेते हैं स्पेक्टर से, फिर हमें एक हफ्ते के बाद का सीन दिखा देता है। चाओ बोल रहा था, शुक्रिया मुझे फोर्सफुली रोकने से, मैं मर जाता अगर मैं उन स्पेक्टर्स के आईलैंड में जाता। तो चैप्टर 185 की स्टार्टिंग होती है। लुजिंग बोलता है ठीक है, अब वो हमारे पीछे है वैसे भी। चाओ बोल रहा था हाँ, हम जल्दी पहुंच जाएंगे सी गोल्ड लैंड। वो आगे की तरफ जा रहे उत्तर, वहाँ पे लैंड आ जाती है। लुजंग बोलते है कोस्ट है, मैं ये सोच रहा हूँ कि ये टेरिटरी किसकी होगी। चाओ बोलते कि अगर तुम मिडिल डोमेन की डायरेक्शन से आए हो तो ये जो लैंड है जो कि क्योटिक सी से कनेक्टेड है, ये ब्लैक आयरन कंट्री होगी, और जो बाकी का लैंड है वो डायो किंगडम से बिलोंग करता है। तुम किस में जाना चाहते हो मास्टर? लुजंग सोच रहे होते कि मैंने रिसेंटली सेंट को गुस्सा दिलाया था डायो किंगडम के, और उनके वॉरियर्स को मार दिया था। मैं इतना भी ज्यादा बेवकूफ नहीं हूँ कि मैं अपनी डेथ की तरफ खुद जाऊंगा। लुजंग और चाओ नीचे लैंड करते, लुजंग बोलते हम ब्लैक आयरन कंट्री की तरफ जाएंगे। फिर हम ब्लैक आयरन कंट्री का हैगू सिटी दिखाई देता है। लुजंग और चाओ वहाँ पे जा रहे होते हैं। लुजंग बोल रहा है कि हम हफ्तों तक पैदल चलते रहे हैं, अब हम फाइनली एक बहुत बड़ी सिटी में पहुंच गए हैं। चाओ बोल रहा था जो हैगू सिटी है वो सेकंड लार्जेस्ट सिटी है ब्लैक आयरन कंट्री की। मतलब जो ब्लैक आयरन कंट्री की जो टाउन और सिटीज होती हैं कोस्ट के राउंड, वो स्मॉल होती हैं, वो बड़ी होती जाएंगी जैसे कि तुम अंदर अंदर जाते रहोगे लैंड के। तो लुजंग एक जगह पहुंच जाते, वो बोल रहा था वाओ, वेल वो एक स्टैचू को देख रहा होता है। चाओ बोलते कि ये फर्स्ट एम्परर है ब्लैक आयरन कंट्री का, इसे ब्लैक आयरन वॉर एम्परर भी बोला जाता है। इसने इस कंट्री को फाइंड किया था और ये 13,000 साल तक जिया था, पर उसके बाद ये मर गया। लुजंग बोलते इतना ज्यादा लंबा? लुजंग बोलते कि मैंने सुना था कि जो गोल्डलैंड स्टेट के वॉरियर्स होते हैं वो 100 सालों तक जी सकते हैं, वेल 100 से ज्यादा 900 तक समथिंग, और जो वर्चुअल डिजास्टर रियलम के वॉरियर होते हैं वो 1,000 सालों तक जी सकते हैं, 1,000 या 2,000, और जो लिम्बो रियलम के होते हैं वो उससे भी ज्यादा। जो डिवाइन सी रियलम के वॉरियर्स होते हैं वो 10,000 ईयर तक जी सकते हैं। तुम्हारे पास पक्के भी ज्यादा एशियन वॉरियर है ना यहाँ पे? चाओ बोलते उसका क्या यूज है, ऐसे एक इंसान डिवाइन सी रियलम से भी ज्यादा ऊपर पहुंच सकता है, पर कोई अननोन रीजन है जिससे यहाँ पे इस वर्ल्ड में डिवाइन सी रियलम से ऊपर नहीं पहुंच सकते हैं कोई भी। ये मिडिल डोमेन में इससे भी ज्यादा कम इश्यू है क्योंकि वहाँ पे कोई डिवाइन सी रियलम तक पहुंच नहीं पाता है, मैक्सिमम पीपल लिम्बो रियलम में मर जाते हैं। चलो मैं तुम्हें एक तरीके से समझाता हूँ मास्टर, यहाँ पे बड़ा डिवाइन सी रियलम के वॉरियर्स हैं पर वो असेंड नहीं कर पा रहे हैं, और वो फाइनली मर जाते हैं कर्स ऑफ इमोर्टैलिटी से, मतलब जब टाइम आ जाता तब मर जाते हैं। एक मार्शल आर्टिस्ट होता है वो नेचुरल ऑर्डर से स्टार्टिंग से फाइट करता है, पर किसी तरीके से ये जो वर्ल्ड है ये अजीब है, हम यहाँ पे और ज्यादा पावरफुल नहीं हो पा रहे हैं, डिवाइन सी रियलम से हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। लुजंग चुप होकर सुन रहा होता है, फिर वो आगे की तरफ देखता है और बोलता है यहाँ पे बड़ा ज्यादा वर्चुअल डिजास्टर रियलम के वॉरियर्स हैं इस सिटी में, मैंने कुछ पहले भी देखे थे। चाओ बोल रहा होता है कि यहाँ पे यूज वन डोजो है सिटी में, जो कि 6th ग्रेड डोजो है, वो बड़ा ज्यादा फेमस है पूरी फोर गोड कंट्रीज में। तुम्हारे जो करंट एबिलिटीज है मुझे लगता है कि तुम ज्वाइन कर सकते हो। लुजंग बोलते है अजीब है, ये स्टार्टिंग से मेंबर्स को नहीं मतलब ले रहे होंगे, ये एक लार्ज सेक्ट है तो ये यूजुअली इंडिपेंडेंट वॉरियर्स को रिजेक्ट नहीं करेगा, ये ऐसा नहीं पूछेगा कि लॉयल्टी वगैरह के बारे में। चाओ बोलते तुम कुजा सोच रहे हो, जो गोड कंट्रीज है वो मिडिल डोमेन से अलग है, तुम नेशन का पार्ट हो गए जब से तुम यहाँ पे पहुंच गए हो, ये डोजो की जो पीपल है वो ऐसे नहीं डाल दे रहे हैं किसी भी इंसान को, ये कंट्री के लिए कर रहे हैं ऐसा, जो भी स्काई के नीचे है वो किंगडम का पार्ट है। लुजंग बोलता है अच्छा ऐसी बात है। चाओ एक इंसान को बोलता है कि एक्सक्यूज मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो यूज वन डोजो कहाँ पे है? वो इंसान उसे इशारा करके आगे की तरफ करता है। चाओ लुजंग आगे की तरफ मूव कर रहे होते हैं, लुजंग दीवारों की तरफ देख रहा होता है, लुजंग को पानी की आवाज सुनाई देती है और लुजंग स्मेल भी करता है। लुजंग हैरान होता है, बोलता है कि इस वॉल के दूसरी साइड में क्या है, वहाँ पे तो सी वाटर का भी सेंट आ रहा है, अब मुझे ये मत बोलना कि ये हेवनली फैदर सी है। चाओ बोलते कि तुम सही बोल रहे हो मास्टर, इन वॉल्स के बिहाइंड में हेवनली फैदर ओशियन है। लुजंग बोलते तो बड़ा सीक्रेटिव है, इन्होंने वॉल से सील किए ताकि दूसरे पीपल न देख पाए। चाओ बोलते कि जो सी है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है जो करंट रूलर्स हैं फोर गॉड कंट्रीज के, उनके लिए नॉर्मल मार्शल आर्टिस्ट को अलाउड नहीं देखना भी, अगर वो ऐसा करेंगे तो उन्हें पनिशमेंट मिलेगी और वो होगी डेथ। लुजंग बोलते ये तो बेवकूफी है, जो एंटायर सी है वो इन वॉल से सील हुई है। चाओ बोलते हाँ तुम सही बोल रहे हो, ये जो ग्रेट वॉल्स है ये पूरी सी को कवर करते हैं, और एक फ्लाइंग अलार्म ऊपर है, जब भी कोई क्रॉस करने की कोशिश करेगा तो वो बच पड़ेगा, जो भी ऐसा करेगा उन्हें लिम्बो रियलम के वॉरियर्स को झेलना पड़ेगा, वो अटैक करेंगे उसके ऊपर। लुजंग बोलता है ये तो बड़ा सा बेकार चीजें हैं, कैसा ट्रेजर छुपा हुआ है कि इस तरह की सिक्योरिटी हो रही है यूज। चाओ बोलते चलो यहाँ से चलते हैं, हम यहाँ पे खड़े होके एंटर नहीं कर सकते हैं, चलो डोजो को विजिट करते हैं। फिर हमें यूज वन डोजो का सीन दिखा देता है, वो सभी लोग जो लाइन में लगे होते हैं वो झुके होते हैं, वेल ग्रीट कर रहे होते हैं। लुजंग बोल रहे होते हैं ये क्या कर रहे हैं? चाओ बोलते जो यूज वन डोजो है वो टॉप प्लेस है
मार्शल आर्टिस्ट का ब्लैक आयरन कंट्री में। ये मार्शल आर्टिस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं पर वो क्वालिफाइड नहीं है, इसलिए यहाँ पे ऐसे झुके हुए ताकि वो अपनी सिंसियरिटी को दिखा सके और जो पीपल यहाँ पे उनके दिल को टच कर ले इनका एक्ट और वो अलो कर दे इनको ज्वाइन करने के लिए। लुजंग बोलता है ये तो अगर ऐसी बात मिडल डोमेन में होती तो वो किसी दूसरे सेक्ट को भी ज्वाइन कर सकते थे और या फिर इंडिपेंडेंट मार्शल आर्टिस्ट बन सकते थे, पर वो यहाँ पे ऐसा क्यों कर रहे हैं। चाओ बोलते हैं कि जो डोजोज है यहाँ पे उनके पास मोनोपोली होती है, जो ब्लैक आयरन कंट्री है उनके पास एक हेमिंग डोजो है जो कि कैपिटल में और ये दूसरा यूजवान डोजो है। इन दोनों के पास एंट्रेंस कोटा होता है वेली फैदर सी में एंटर करने के लिए, पर तुम्हें पहले उनको ज्वाइन करना पड़ेगा। ज्वाइनिंग का ये मतलब होता है कि तुम पार्टनर हो और तुम्हारा जो रिलेशनशिप है वो इक्वल कोऑपरेशन का है। जो डोजो है तुम्हें रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा ट्रेन करने के लिए और जो मार्शल आर्टिस्ट है उन्हें अपना टैलेंट दिखाना पड़ेगा और विल दिखाने पड़ेगी। वो गेट के पास पहुंच जाते हैं, जो गार्ड होता है वो बोल रहा है तुम्हारा बिजनेस का यहाँ पे। लुजंग बोलता है मैं यूजवान डोजो को ज्वाइन करना चाहता हूँ इसलिए मैं असेसमेंट को लेना चाहता हूँ। वो इंसान बोल रहा होता ठीक है हम असेसमेंट को हर मंथ होल्ड करते हैं, अगर तुम वर्चुअल डिजास्टर एलम के मार्शल आर्टिस्ट हो तो तुम ज्वाइन कर सकते हो साइन अप करके और तुम्हें फिर तुम्हारी नेम प्लेट मिलेगी। वो फिर लुजंग को सभी रूल्स एंड रेगुलेशन बता देता है। लुजंग बोलता है ठीक है मैं समझता हूँ। लुजंग चाओ को बोल रहा होता मैंने सब कुछ रिमेम्बर कर लिया है पर मैं अभी भी क्लाउड टेम्पल की यूनिफॉर्म में हूँ, ये ट्रबल सम होगा डोजो को ज्वाइन करने के लिए अगर लोग मुझे पहचान लेंगे, मैं जाता हूँ और चेंज करता हूँ मेरे लिए रुको। चाओ बोलता है ठीक है। लुजंग अपने क्लोथ्स को चेंज कर लेता है और बोलता है इतना बुरा नहीं है ये मेरे को छुपा लेगा। लुजंग और चाओ आगे की तरफ जा रहे होते तभी उनको एक इंसान आवाज डालता है, वो बोलता है कि तुम दोनों रुको। वो इंसान बोल रहा होता है क्या तुम मार्शल आर्टिस्ट और असेसमेंट को लेने के लिए आए हो। लुजंग बोलता है ये कौन है ये तो बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस लग रहा है। लुजंग उसे ग्रीट करता है और बोलता है तुम सही बोल रहे हो मैं यहाँ पे ट्रायल्स को ज्वाइन करने के लिए आया हूँ। वो इंसान बोलता है इतना बुरा नहीं है यहाँ पे अभी मार्शल आर्टिस्ट ऐसे जिनके जो फंडामेंटल्स है वो स्ट्रॉन्ग है ब्लैक आयरन कंट्री में, तुम मेरे को ज्वाइन क्यों नहीं करते मैं भी पार्टिसिपेट कर रहा हूँ यूजवान डोजो के ट्रायल के लिए। लुजंग बोलते मुझे माफ कर दो पर मुझे अकेले काम करना ज्यादा अच्छा लगता है मैं किसी का फॉलोवर नहीं बनना चाहता हूँ। तो उस इंसान के साथ दूसरा इंसान होता है वो बोल रहा होता है तुम्हारी इतनी हिम्मत मेरे यंग मास्टर चाहते हैं कि तुम मुझे ज्वाइन करो तुम इसमें वैल्यू नहीं देख रहे हो। वो जो इंसान होता है वो उसे रोक देता है, वो बोलता है ठीक है अगर तुम रिजेक्ट कर रहे हो मुझे तुम्हारे गट्स पसंद आए हम यहाँ से चलते हैं अब बाय। लुजंग बोलता है कि ये कौन है ये कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं लग रहा है। चाओ बोलता है अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ तो ये जो इंसान है ये प्रिंस ऑफ यान है ब्लैक आयरन कंट्री का। लुजंग बोलता है प्रिंस ऑफ यान जो एम्परर होते हैं गोल्ड कंट्रीज के वो 10,000 सालों तक जीतते हैं तो उनके पास बहुत ज्यादा चिल्ड्रन होते हैं, ये बड़ा ज्यादा मुश्किल होता है क्राउन प्रिंस भी होना किसी को, पर इसने ऐसा टाइटल ऑब्टेन किया इतनी ज्यादा यंग एज में। चाओ बोल रहा होता है जो प्रिंस ऑफ यान है वो इस नेशन का प्राइड है। वो हंसता है फिर और बोलता है कि क्राउन प्रिंस से थोड़ा सा नीचे है अगर पोजीशन की बात की जाए यंगर जनरेशन में तो। लुजंग बोलता है अच्छा ऐसी बात है। लुजंग सोच रहा होता है बड़ा ज्यादा रियर है कि कोई इतना ज्यादा कैपेबल पर्सन इतना ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होगा, ये बड़ा ज्यादा अच्छा होगा अगर ये मेरा फ्रेंड होगा तो, अगर देखा जाए इसकी पोजीशन कैसी है तो। फिर लुजंग और चाओ एक जगह पे पहुंचते हैं वहाँ पे बड़ा ज्यादा शोर शराबा होता है। लुजंग आगे देख रहा होता है तभी वहाँ पे एक लड़की आ जाती है और वो बोल रही होती है क्या तुम मार्शल आर्टिस्ट हो क्या जो ज्वाइन करना चाहता है इस ट्रायल को ब्लैक आयरन टोकन के लिए। लुजंग बोलता है हाँ मैं हूँ। वो जो लड़की होती है वो बोल रही होती है यहाँ पे सिर्फ 50 स्पोर्ट्स है तुम्हें अपना बेस्ट करना पड़ेगा मुझे अपना नाम बताओ। लुजंग बोलता है ओके। लुजंग अपना नाम लुओ टियानजिंग बताता है। लुजंग सोच रहा होता है कि मुझे अपना फेक नाम बताना चाहिए ये बड़ा ट्रबल सम होगा अगर डायो किंगडम की जो सेंट है वो फाइंड आउट कर लेगी मेरा नाम तो। वो लड़की बोलती है ठीक है लुओ टियानजिंग। वो फिर लुजंग को बताती है कि वहाँ पे लाइन में लग जाओ ये स्टार्ट हो जाएगा जब तुम्हारा नाम बोला जाएगा। लुजंग बोलता है ठीक है। लुजंग आगे की तरफ मूव कर रहा होता है और लुजंग सोचता है कि वो तीनों तो डिवाइन सी रियलम के मार्शल आर्टिस्ट हैं। मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ गोल्ड कंट्रीज से, यहाँ पे सिंपल से डोजो में भी 3 डिवाइन सी रियलम के मार्शल आर्टिस्ट हैं और यहाँ पे 3 से भी ज्यादा डोजो हैं। यहाँ पे ऑलरेडी 1000 से भी ज्यादा वर्चुअल डिजास्टर रियलम के मार्शल आर्टिस्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं ट्रायल में, मिडिल डोमेन तो इससे कंपेयर भी नहीं हो सकती। लुजंग बोलता है चलो यहाँ पे वेट करते हैं अभी के लिए। चाओ बोलता है ठीक है। वो दोनों खड़े होते हैं। लुजंग कुछ फील करता है और सोच रहा होता है कि कोई मेरी तरफ देख रहा है पीछे से। लुजंग पीछे देखता है और बोलता है ये वही है हैं? हेलो प्रिंस ऑफ यान होता है। वो बोल रहा होता है हम दोबारा मिल गए हैं। वो हंस रहा होता है बोल रहा होता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फेट ये जो हमारे दोनों के बीच में है मुझे लगता है कि हम सेम ग्रुप में भी डाल दिए जाएंगे तो मुझे डिसअपॉइंट मत करना। लुजंग बोलता है मैं एक दूसरे से फाइट करने के लिए चांस का वेट कर रहा हूँ। प्रिंस ऑफ यान सोच रहा होता है इसने जल्दी से नोटिस कर लिया कि मैं इसे देख रहा था, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं अच्छी तरह से नहीं देख पा रहा हूँ कि इसकी एबिलिटीज कितनी है, ये तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। लुजंग सोचा होता है कि ये जो कंपटीशन है यहाँ पे ये पक्का टफ होने वाला है, यहाँ पे प्रिंस भी इसकी तरह ज्वाइन कर रहे ट्रायल में पर्सनली, ये हैरानी की बात नहीं कि ये इतना ज्यादा जल्दी ग्रो होते हैं और स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। ये जो डोजो है ये 6th ग्रेड सेक्ट या फिर किसी होली लैंड को मैच कर सकता है। सो गाइस चैप्टर नंबर 185 इतना था, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, नहीं भी आई फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।